हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आ चुका हूं। देखिए, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑड वन आउट की ट्रिक सिखाऊंगा। ये ऑड वन आउट क्या होता है? तो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जहां पर चार फिगर दिया जाता है, उस चार में से आपको ऑड फिगर आपको फाइंड करना होता है। मतलब उन चार में से अलग कौन सा है वो आपको फाइंड करना होता है। तो ये सब करना आसान नहीं होता है क्योंकि चारों फिगर एक जैसे ही लगते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे जिससे आप अपने एग्जाम के अंदर मैजिक कर पाओ, तो ये सब कुछ सिखाऊंगा मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको 30 सेकंड टाइम मिलेगा। 30 सेकंड में आपको सॉल्व करना है और फटाफट कमेंट करके मुझे आंसर देना है। अगर आप कमेंट नहीं कर पाए या फिर आपको आंसर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको 30 सेकंड के बाद सॉल्व करके बताऊंगा कि राइट आंसर क्या है। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं राइट आंसर क्या है। आपको 30 सेकंड दिया गया था इसे सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। तो आप देखोगे कि ये चार फिगर दिया है आपके सामने और आपको इसमें से सबसे अलग फिगर आपको निकालना था, ऑड फिगर निकालना था। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को ये लगेगा कि भाई यही जो है सर्कल जो है यही हमारा ऑड फिगर है। क्यों? क्योंकि ये चार फिगर में से एक ऐसा फिगर है जिसमें साइड नहीं है, बाकी सब में साइड तो है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? आपको बहुत कुछ देखना होता है। तो आप देखिए, ये लाइन का पैटर्न देखिए, कुछ इस तरह से लाइन का पैटर्न बना हुआ है। यहां पर देखिए, ये भी देखिए, इस तरह का लाइन पैटर्न बना हुआ है और यहां पे भी सेम लाइन का पैटर्न बना हुआ है। लेकिन देखिए, यहां पर देखिए कुछ अलग है, कुछ इस तरह से लाइन पैटर्न है, ठीक है ना। अब यही तो एक वजह नहीं है, और भी वजह हो सकती है। तो आप देखिए, ये लाइन बनने के बाद, ये पैटर्न बनने के बाद, ये जो पूरा जो फिगर है ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पर भी देखोगे आप तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पर भी देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 पार्ट में ये 3 फिगर जो है डिवाइड हो गया। लेकिन आप यहां पर देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 है। तो आप समझ गए होंगे कि ये 4 में से ऑड फिगर कौन सा है। ऑड फिगर है आपका ऑप्शन ए, यही ऑड फिगर है। तो उम्मीद करता हूं कि हर एक लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने और एक क्वेश्चन लेके आ गया। देखिए, ये वाला क्वेश्चन लेके आओ, यहां पर आप क्या करोगे, कैसे आप पता कर पाओगे कि इन चार में से सबसे अलग फिगर कौन सा है, वो आप कैसे पता कर पाओगे। जब भी ऐसे सर्कल का हो ना, तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आपने घड़ी देखा होगा, घड़ी जो है इस तरफ चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी उल्टा चलना, मतलब उल्टी तरह घड़ी चले अगर, उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये दो कंसेप्ट याद रखना जब भी ये सर्कल के फिगर आएंगे। तो आप देखोगे, ये एरो देखिए, ये एरो को देखिए, यह इस तरफ जा रहा है, इस तरफ फॉलो हो रहा है, ये एरो देखिए इस तरफ मार्क कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज है। तो ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, यहां पर देखोगे आप, ये देखो एरो, मतलब ये इस तरफ जा रहा है, मतलब डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज ही है, ये क्लॉकवाइज। लेकिन देखिए, ये डायरेक्शन देखिए, ये इस तरफ आ रहा है, मतलब उल्टा दिशा में आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यही एक ऑड वन है। फिर देखोगे आप अगर, तो ध्यान दीजिए आप, ये देखिए, ये एरो देखिए, यहां पर ब्लैक मार्क, ये एरो देखिए, यहां पर एरो देखिए, ब्लैक मार्क, फिर देखिए यहां पर एरो देखिए और यहां पर ब्लैक मार्क। लेकिन देखिए, यहां पर एरो है और यहां पर व्हाइट मार्क है,
मतलब दो लॉजिक लग गया है हमारा जिससे हम मैजिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं राइट आंसर क्या है। यहां पर देखा आपने चार फिगर दिया है और इन चार में से सबसे अलग कौन सा है वो आपको निकालना है। कैसे निकालोगे तो ध्यान दोगे आप यहां पर, ये देखिए फुलझड़ी बना हुआ है कुछ, ठीक है ना, डिजाइन बना हुआ है और यहां पर हर एक में डिजाइन बना हुआ है। तो हम ध्यान देंगे कि इसका देखिए 1 2 3 4 5 है, तो ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। यहां पर देखिए साइड कितना है, 1 2 3 साइड है और ये कितना है 1 2 3 है और यहां पर देखोगे 1 2 3 4 है, ठीक है, चार साइड और यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 यहां पर 5 दिया है, ठीक है। फिर देखोगे आप यहां पर 1 2 3 4 5 और यहां पर 6 दिया हुआ है और ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो हम ये समझ गए कि साइड के हिसाब से ये फुलझड़ी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर देखिए चार साइड है लेकिन ऊपर जो डिजाइन दिया है वो 5 दिया है, मतलब हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी, ये हमारा राइट आंसर हो गया, यही इन चार में से सबसे अलग है ये, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया है। आपको बताना चाहूंगा देखिए यही ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में देखा है, थोड़ा अलग वे में पूछते हैं। वो कैसे पूछते हैं तो एग्जैक्टली यही फिगर आपके सामने फिर से लेके आ रहा हूं, थोड़ा ट्विस्ट करके लेके आता हूं क्योंकि मैंने वो देखा है सवाल, इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और एक फिगर लेके आ गया हूं। देखिए ये वाला फिगर लेके आया हूं, यही सेम टाइप का फिगर जो है इससे पहले वाले सब में आपको करवाया मैंने, लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंट है। क्या अलग है बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। आप देख सकते हो यहां पर जो फिगर दिया है और ऊपर देखिए थोड़ा कुछ अलग अलग वे में दिया हुआ, जो हम बोल सकते हैं फुलझड़ी वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 साइड है, तो 5 साइड है यहां पर, तो ऊपर देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, मतलब 5 साइड और ये 5 फूल हमारा मैच हो गया। फिर यहां पर देखोगे तो ये जो ट्राइंगल है उसमें साइड कितने हैं 1 2 3 और यहां पर देखोगे 1 2 3, देखो साइड और फूल जो है मैच हो गया। फिर यहां पर देखोगे तो 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 ये भी मैच हो गया। फिर आप यहां पर देखोगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ऊपर जो फूल बने हैं 1 2 3 4 5 6, अरे सब कुछ मैच हो गया। अब क्या करें क्योंकि इससे पहले वाले सब में तो कुछ अलग था, यहां पर तो सब सेम हो गया, तो क्या सभी ऑड है? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या देखना है उस टाइम पे, क्योंकि ऐसे फिगर बहुत से एग्जाम में मैंने देखा है, इसीलिए आपके लिए लेके आया हूं मैं। तो अब देखो यहां पर ये जो फूल बने हैं इसमें कॉमन पैटर्न है, यहां पर जो बने वो साइड बने हैं, साइड पर बने, देखिए ये साइड है, यहां पर देखोगे ये साइड पे, देखिए ये साइड है, इस साइड पे बने हुए हैं और यहां पर देखोगे तो देखिए ये साइड है और साइड पे फूल बने हुए हैं, लेकिन यहां पर जो है ये देखिए इस बिंदु पे बने हुए हैं। ये बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स मतलब कोई भी लाइन जो जॉइंट होता है उस जॉइंट पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स पे यहां पर फूल बने हुए हैं, मतलब ये तीन फिगर में से, मतलब ये चार फिगर में से ऑड जो है ये ऑड है, सबसे अलग ये है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आ गया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं। ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन चार फिगर में से सबसे अलग फिगर कौन सा है वो आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी सर्कल के फिगर आएंगे तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये ट्रिक यूज करना है। क्लॉकवाइज मतलब देखिए घड़ी का कांटा देखिए इस तरफ होता है, मतलब सीधी तरह से घूमता है, तो इसे हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। और देखिए घड़ी अगर उल्टा घूमे, अगर मतलब इस तरह से घूमे, तो उसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यहां पर लिख लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम फिगर को देखेंगे तो आप देखो ये एरो देखिए इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया। और यहां पर देखोगे ये घड़ी का कांटा जो है इस तरफ जा रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये देखोगे आप, ये देखिए घड़ी का कांटा जो है इस तरफ जा रहा है, मतलब ये जो है आपका वो क्लॉकवाइज हो गया। और आप ये देखोगे ये भी आपका क्लॉकवाइज ही है, मतलब ये एक ऐसा ये फिगर है जहां पर एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऑप्शन बी जो है आपका ऑड फिगर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आ गया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये चार फिगर में से ऑड कौन सा है वो आपको बताना है। तो कैसे आप पता कर पाओगे कौन सा ऑड है, तो आइए देखिए यहां पर आप देखोगे यहां पर एरो है और यहां पर देखिए ये सर्कल है, यहां पर एरो है, यहां पर सर्कल है, यहां पर एरो है और यहां पर सर्कल है, और ये एरो है, ये सर्कल है, मतलब ये जो है पैटर्न आपका यूजफुल नहीं है। तो क्या करोगे, कुछ अलग हिंट लगाओगे। तो आप देखिए ये एरो है और देखिए ये एरो, दोनों एरो जो है ऑपोजिट है। यहां पर देखोगे ये एरो और ये एरो देखिए दोनों देखिए ऑपोजिट में है। यहां पर देखोगे तो ये एरो और ये एरो देखिए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में, लेकिन यहां पर देखोगे तो ये ऑपोजिट बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपको हिंट मिल गया। तो आपके लिए देखिए ये चार फिगर में से ऑड फिगर जो है वो ऑप्शन डी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा और ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि चार फिगर में ऑड फिगर कौन सा है वो आपको बताना है। तो कैसे बताओगे आप ध्यान दोगे तो यहां पर देखिए क्रॉस का साइन है, यहां पर क्रॉस का साइन है, ये दो जो क्रॉस है वो देखिए इस तरह से बना हुआ है, और देखिए यहां पर भी देखिए इस तरह से बना हुआ है। फिर आप देखोगे ये फिगर के अंदर यहां पर भी ऐसे बने हुए हैं, लेकिन यहां पर देखिए कुछ अलग वे में बने हुए हैं, तो यही हमारा जो है ये ऑड फिगर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो ये जो सर्कल बने हैं वहां पर देखने जाओगे तो भी हो जाएगा। यहां पर देखिए कलर है, यहां पर बिना कलर का है, तो ये भी देखिए इस तरह से है, ये भी देखिए इस तरह से, और देखिए यहां पर भी देखिए इस तरह से, लेकिन यहां पर देखोगे आप ये पूरा के पूरा ऑड है। तो ऑप्शन सी जो है ये ऑड फिगर है। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक आपका एक कमेंट हमें इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम बना सकें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।